मैंने तो इस पे आर्टिकल लिख दिया, व्हाई आई विल नॉट सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, ना मैं इंडिया को सिविलाइज मानता हूँ, अकलियतों पे जुल्म होते हैं, तो लिहाजा मैं ये आज़ादी को कोई आज़ादी मानता नहीं हूँ। हकीकत यह है कि हर दूसरा बच्चा भारत में वो ही सफर्स फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, अनएम्प्लॉयमेंट का हाल ये है। आप जानते हैं क्या हाल है? अगर 100 गवर्नमेंट जॉब्स एडवर्टाइज की जाए और चपरासी की क्लास 4 जॉब्स, तो अक्सर 5 लाख एप्लीकेशन आ जाते हैं फॉर 100 जॉब्स, और उन 5 लाख में से कई PhD, कई MSc, MTech, MBA, इंजीनियर्स, ये सब भी होते हैं बेगिंग फॉर अ चपरासी जॉब। ये कहना कि GDP ग्रोथ हो रही है, ये काफी नहीं है। सवाल है उस GDP ग्रोथ का फायदा किसको मिल रहा है, हु इज गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ दैट इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या थोड़े से बिग बिजनेसमैन को ही फायदा मिल रहा है या आम आदमी को फायदा मिल रहा है? हमारे यहाँ पुलिस को ना ट्रेनिंग है इंडिया में और ना इक्विपमेंट है, मगर प्रेशर है कि भाई पकड़ो जिन्होंने, जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया, तो करते क्या है कि किसी मुसलमान को पकड़ लिया। अक्सर ये ऐसे केसेस हैं जहां 20-25 साल कोई मुसलमान लड़का पड़ा हुआ जेल में फॉर 25, तब जाके 25 साल के बाद पता लगा कि वो बेगुनाह है, तो कौन उसकी 20-25 साल जिंदगी रिस्टोर करेगा। जी आप सियासत टोपी के देख रहे हैं, सौरभ प्रकाश आपसे मुखातिब है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के सबक जज मार्कंडे काजू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मार्कंडे काजू साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। हां वालेकुम सलाम। काजू साहब, आज 15 अगस्त है, आप खुशियां मना रहे होंगे आजादी की, आप आजाद महसूस करते हैं खुद को इंडिया में? देखिए मैं कोई खुशी खुशी नहीं मना रहा हूं और उसका वजह क्या है कि असल आजादी जो मेरे समझ में है वो गुर्बत से आजादी, बेरोजगारी से आजादी और ये भुखमरी से आजादी और लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ गुड एजुकेशन से आजादी, ये जो दाम बढ़ गए हैं, स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस हैं, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं हिंदुस्तान में, उससे आजादी, और इसके अलावा जो माइनॉरिटीज पे जुल्म हो रहा है उससे आजादी, ये असल आजादी है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, मैं आज देख रहा था बहुत सारी खबरों में, यानी आज 15 अगस्त है लेकिन आज के दिन भी सर इंडिया के अंदर जो मुसलमान है या जो बाकी माइनॉरिटीज हैं उन्हें बड़ी तकलीफें दी जा रही हैं, बड़ी अजियत पहुंचाई जा रही है, और उन्हें बहुत सारी जगहों पर यह भी हक नहीं है कि वो इस चीज को कम अज कम सेलिब्रेट कर सकें, इस चीज के ऊपर बहस कर सकें। देखिए मैंने कहा कि असल आजादी होती है इकोनॉमिक फ्रीडम, यानी गुर्बत से आजादी, महंगाई से आजादी, बेरोजगारी से आजादी और भुखमरी से आजादी, और इसके अलावा अकलियतों पे जुल्म से आजादी। मैंने कई बार कहा है कि देखिए वन हॉलमार्क of a civilized society is that minorities can live with dignity and honor. और उस हिसाब से ना मैं इंडिया को सिविलाइज मानता हूँ ना मैं पाकिस्तान को सिविलाइज मानता हूँ, क्योंकि दोनों जगह अकलियतों पे जुल्म होते हैं, तो लिहाजा मैं ये आजादी को कोई आजादी मानता नहीं हूँ। और यहाँ देखिए ये जो ये कहा गया कि एक आर्टिकल छपा था indicanews.com है, ये पोर्टल है अमेरिका से छपता है, कि 135 मिलियन इंडियंस एस्केप फ्रॉम पॉवर्टी बिटवीन 2015 एंड 2019, यानी 13.5 करोड़ लोग हिंदुस्तान में गुर्बत से निकल गए। ये सब किसके फैक्ट्स हैं? एक तो देखिए इस पे एक मार्क ट्वेन ने एक एक्सप्रेशन दिया, मार्क ट्वेन बड़ा फेमस अमेरिकन राइटर था, उसने कहा लाइज, डैम लाइज एंड स्टेटिस्टिक्स, उसी के नाम पे मेरा एक आर्टिकल भी है, आप देख लीजिएगा indicanews.com में ही है, कि कहने को कुछ भी कह जाओ हकीकत क्या है वो तो
कुछ और है, ये जो खबर है ये नीति आयोग की खबर है कि 13.5 करोड़ हिंदुस्तानी गुर्बत से निकल गए। नीति आयोग तो एक इंडियन गवर्नमेंट का ही एक वो है, एजेंसी है, तो वो नेचुरली ये सब कहेगी। मगर यहाँ स्टेटिस्टिक्स इंडिया में बड़े, देखिए बड़े बड़े राजू साहब, सर इंडिया के अंदर स्टेटिस्टिक्स तो खराब है, लेकिन थोड़ी सी एक एक चीज हमें समझाएं सर, गुर्बत होती क्या है, गुर्बत को आप डिफाइन कैसे करते हैं, क्या सिर्फ पैसे ना होना, पैसे कम होना ही गुर्बत होती है, या फिर एक फिक्री गुर्बत भी होती है, एक एक सोच की गुर्बत भी होती है? नहीं नहीं देखिए, गुर्बत के मतलब कि अगर आपके पास पैसा ना हो एक डिसेंट लाइफ लीड करने का, डिसेंट लाइफ मतलब कि आप, ये नहीं जरूरी कि आप महल में रहें, मगर छोटा सा घर हो, आपकी इनकम हो ताकि आप खुद ठीक से रह सकें, बच्चों को ठीक से पढ़ा सकें और बीबी को दे सकें खाना, पूरी फैमिली को सप्लाई कर सकें, ये होती है कि गुर्बत दूर हो गई। मगर हकीकत क्या है आप जानते क्या, हिंदुस्तान में कहने को तो कुछ कर, हकीकत ये है कि हर दूसरा बच्चा भारत में वो ही सफर्स फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, जो हम लोग क्या कहते हैं कुपोषण, पता नहीं उर्दू में क्या लफ्ज है कि खाने को नहीं मिले, हर दूसरा बच्चा, यानी हमारे यहाँ 140 करोड़ की आबादी है भारत की, غذائی قلت کہتے ہیں پاکستان میں, غذائی قلت کہتے ہیں, हाँ, तो हर दूसरा बच्चा ही सफर्स फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, यानी वेस्टेड है, स्टंटेड है। और ये फिगर्स हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, आप गूगल में देख लीजिएगा, वो इंटरनेशनल रेप्यूटेड एजेंसी है जिसने कहा आधे बच्चे भारत के दे सफर फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, और इंडिया, उन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने 121 मुल्कों की सर्वे किया, हमारी पोजीशन थी पहले 3-4 साल पहले 101 थी, अब गिर के 107 हो गई है, आउट ऑफ 121 कंट्रीज सर्वेड वी हैव गॉन स्लिप फ्रॉम 101 टू 107, बिहाइंड पाकिस्तान, बिहाइंड बांग्लादेश, बिहाइंड नेपाल, श्रीलंका, ऑल दीज नेबरिंग कंट्रीज। ये तो हमारा हाल है, 57% इंडियन विमेन आर एनेमिक, यानी एनेमिक मतलब कि उनके खाने में आयरन नहीं होता है। अनएम्प्लॉयमेंट का हाल ये है, आप जानते हैं क्या हाल है, अगर 100 गवर्नमेंट जॉब्स एडवर्टाइज की जाए और चपरासी की क्लास 4 जॉब्स, अक्सर 5 लाख एप्लीकेशन आ जाते हैं फॉर 100 जॉब्स, और उन 5 लाख में से कई पीएचडी, कई एमएससीज, एमटेक्स, एमबीए, इंजीनियर्स, ये सब भी होते हैं बेगिंग फॉर अ चपरासी जॉब। ये तो अनएम्प्लॉयमेंट का आलम है हमारे मुल्क में। हेल्थ केयर का हाल आप जानते हैं क्या है हिंदुस्तान में, ये बातें आप बड़े बड़े करिए, हकीकत क्या है कि गरीब आदमी को हेल्थ केयर नहीं मिलती है क्योंकि बड़ी महंगी है। कुछ थोड़े से स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, दिल्ली में है, मैक्स है, अपोलो है, मेंडी सिटी है, इस तरह के हैं, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव, आम आदमी तो जा ही नहीं सकता है, सिर्फ मिनिस्टर्स के या बड़े पॉलिटिशियन या बड़े रिच लोगों के बच्चे जा सकते, लोग जा सकते हैं वहाँ पे। ऑर्डनरी मैन क्या करता है, ऑर्डनरी मैन ही गोज टू क्वैक्स, आप जानते हैं क्वैकरी, आपको क्वैकरी में क्या कहते हैं उर्दू में, हमारे यहाँ तो उसको झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, यानी जो कोई डिग्री विग्री नहीं है वो फ्रॉडुलेंट डॉक्टर, दे आर 10 times द नंबर ऑफ रेगुलर डॉक्टर्स। अगर आप ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जाइए दिल्ली में, जो कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट मानी जाती है हेल्थ फैसिलिटी, वहाँ इट लुक्स लाइक अ रेलवे स्टेशन, भीड़ है वहाँ, हजारों लोग खड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं, घंटों पड़े रहते हैं, कोई उनका फिक्र नहीं करता है। ये तो आपकी मेडिकल केयर का हालत है। बात होती है कि सर इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और ये कहा जा रहा है 2-3 साल में हम 3rd largest इकोनॉमी हो जाएंगे। अरे कहने में कुछ भी कह जाओ, हकीकत देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये कहना कि जीडीपी ग्रोथ हो रही है ये काफी नहीं है, सवाल है उस जीडीपी ग्रोथ का फायदा किसको मिल रहा है, हु इज गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ दैट इकोनॉमिक ग्रोथ।
क्या थोड़े से बिग बिजनेसमैन को ही फायदा मिल रहा है या आम आदमी को फायदा मिल रहा है? हमारे यहाँ लोग जानते हैं थोड़े से बिग बिजनेसमैन हैं, आप जानते हैं 7 बिजनेस फैमिलीज इन इंडिया, दे ओन एज मच इफ नॉट मोर वेल्थ देन द बॉटम 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन. 7 फैमिलीज, इतना गैप बिटवीन रिच एंड पुअर हो गया. ये ऑक्सफैम रिपोर्ट आई है, सब उसमें दिया गया है. और फिर जहां तक ये सिविल लिबर्टीज का सवाल है, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है आर्टिकल 19(1)(a) की फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह है, मगर अगर आपने ज्यादा बोला गवर्नमेंट के खिलाफ आपके ऊपर केस चल जाएगा, सेडिशन का, टेररिज्म का, न जाने क्या क्या ऊटपटांग के. एक सेकंड, ये अगर गवर्नमेंट के खिलाफ आपने बोला तो आपके पास सेडिशन की केसेस चलेंगे, इंडिया में भी होता है, बहुत हो रहा है साहब. देखिए अभी भी जेल में है उमर खालिद, जो PhD है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, विच इज वन ऑफ द प्रीमियर यूनिवर्सिटीज, क्योंकि उसने क्रिटिसाइज किया था गवर्नमेंट. सालों से, 3-4 साल से जेल में है उमर खालिद है. और डॉक्टर खफील खान थे, बड़े रिस्पेक्टेड डॉक्टर थे गोरखपुर के, और गरीब लोगों को अपने जेब से पैसा देते थे दवा खरीदने के लिए, अगर वो गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता था, ये उनकी शोहरत थी. उन्होंने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया कि साहब यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, शॉर्टेज है. कई लेटर लिखे, गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया. फिर जब कई लोग मर गए बहुत शॉर्टेज हो ऑक्सीजन, तो इनको जेल में डाल दिया गया, महीनों जेल में रहे, जबकि ये जनता की सेवा करते थे, इतनी स्पिरिट ऑफ सर्विस थी, उनको जेल में डाल दिया. बाद में इन्होंने क्रिटिसाइज किया जो वो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उस पर भी जेल में डाल दिया. तो मुसलमानों पे तो देखिए, एक ही मैं आपको बता दूं, ये समझ लीजिए, कोई जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो असल कल्प्रिट को तो पुलिस हमारी पकड़ नहीं पाती है, क्योंकि जानते ही नहीं पकड़ना. क्योंकि देखिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज अ साइंस. जैसे आपने शेरलॉक होम्स की कहानियां पढ़ी होंगी कि कैसे शेरलॉक होम्स इन्वेस्टिगेट करता है कोई क्राइम, या अमेरिका में आप यूट्यूब पे देखिए कैसे कोई क्राइम होता है तो पुलिस जाती है ऑन द स्पॉट और कलेक्ट करती है एविडेंस, वहाँ फिंगरप्रिंट्स, ब्लड स्टेन्स, स्पेंट कार्ट्रिजेस, फाइबर्स, एशेज, ये सब उसको साइंटिफिक लेबोरेटरी में ले जाते हैं, DNA टेस्ट होता है, वो फिंगरप्रिंट्स आर फेड इनटू अ प्रोसीजर जी. हमारे यहाँ पुलिस को ना ट्रेनिंग है इंडिया में और ना इक्विपमेंट है, मगर प्रेशर है कि भाई पकड़ो जिन्होंने, जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया. अब कैसे बेचारे दरोगा जी क्या क्या करें, वो सस्पेंड हो जाएंगे अगर नहीं पकड़ेंगे, मगर आते ही नहीं क्योंकि ट्रेनिंग नहीं. भाई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज साइंस, इन लोगों को आता नहीं है. तो करते क्या है कि किसी मुसलमान को पकड़ लिया, मुसलमान ही है, होते हैं टेररिस्ट अक्सर. ये ऐसे केसेस हैं जहां 20-25 साल कोई मुसलमान लड़का पड़ा हुआ जेल में फॉर 25, तब जाके 25 साल के बाद पता लगा कि वो बेगुनाह है, तो कौन उसकी 20-25 साल जिंदगी रिस्टोर करेगा. 200 ऐसे केस हैं कि भाई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो ये मुसलमान ही करते हैं. बहुत सारे ऐसे केस मैं आपको बताऊंगा, मगर आप कितने बताऊंगा. ये जो मुसलमानों के खिलाफ ये जो एक दहशतगर्दी का ब्लेम उनके ऊपर लगाकर एक नैरेटिव बनाया जाता है, ये इंडिया के अंदर रियासती पॉलिसी है या कि एक मखसूस सियासी जमात की पॉलिसी है? अरे भाई देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज है समझने की. हमारे यहाँ पॉलिटिक्स इंडिया में चलती है कास्ट और रिलीजन पे, कास्ट रिलीजियस वोट बैंक पे चलती है. तो 80% पॉपुलेशन हिंदू है, मुस्लिम दाल हार्डली 15-16%. तो लिहाजा ये रिलीजियस अगर पोलराइजेशन हो जाएगा तो इसको BJP को फायदा मिलता है. तो लिहाजा ये पॉलिटिकल है कि हेट्रेड फैलाओ, नफरत फैलाओ, कम्युनल फीलिंग्स बढ़ाओ, कम्युनल राइट्स कराओ, उससे फायदा मिलता है इनका. ये सब पॉलिटिकल है. तो काशी साहब, आज तकरीबन आप जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त 1947, आज 76 साल इसे हो गए. 76 सालों में इंडिया ने कितना सफर तय किया और पाकिस्तान ने कितना सफर तय किया?
अरे मैंने बताया कि दोनों का हाल एक ही है, दोनों में बड़ी भारी गुर्बत है, बड़ी बड़ी भारी बेरोजगारी है, भुखमरी है, महंगाई है, एक ही जैसा हाल है। तो ना आपका मुल्क आजाद हुआ है ना हमारा मुल्क आजाद हुआ है। मैंने बताया असल आजादी ये इकोनॉमिक फ्रीडम होती है, गुर्बत से आजादी, बेरोजगारी से आजादी। कितनी बेरोजगारी है हमारे यहाँ, तो मैंने आपको बता दिया, आपके यहाँ आपको मालूम होगा वही एक जैसा हाल है इंडिया पाकिस्तान। जो आपके यहाँ जश्न हो रहा है, जो सड़कों के ऊपर रोला पड़ा हुआ है, जो टीवी के ऊपर आपका तिरंगा लहराया जा रहा है और जो तराने बजाए जा रहे हैं, ये फिर सारा क्या ड्रामा है? अरे ये सब पागलपन है। मैंने तो इस पे आर्टिकल लिख दिया, why I will not celebrate इंडिपेंडेंस डे। आप मेरा आर्टिकल देख लीजिएगा, इट इज मैं देख रहा, लेकिन वैसे आप मुख्तसर बता दें कि फिर ये क्यों ढकोसला ड्रामा किया जाता है? अरे भाई ये सब पॉलिटिकल है, दिखाने के लिए हम कितनी तरक्की कर गए हैं। देखिए हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और ये सब देखिए। मैंने आपको बता दिया कि ये तो पॉलिटिशियन कहेंगे, तो खासकर जो रूलर्स हैं वो कहेंगे कि हमारे हुकूमत में कितनी तरक्की हुई है, मगर हकीकत क्या है वो देखिए ना कि कितनी बेरोजगारी है, कितने चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन है, क्या आलम है, और भुखमरी है, लैक ऑफ हेल्थ केयर है, लैक ऑफ गुड अच्छे स्कूल नहीं है। फिर इसमें एक आम आदमी के लिए क्या है और इसका वे फॉरवर्ड क्या निकलेगा, ये चीजें ठीक कैसे होंगी? देखिए मैं बिल्कुल क्लियर थिंकर हूँ, इसका वे आउट इज ओनली थ्रू सम काइंड ऑफ रेवोल्यूशन, और मगर रेवोल्यूशन में टाइम लगेगा। रेवोल्यूशन ऐसे नहीं होता, कोई आसान चीज नहीं होती है, उसमें बड़ा वक्त लगता है, मगर जो हर रेवोल्यूशन के पहले एक आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन होता है। मैं दो मिनट दीजिए, मैं आपको समझा दूं। जैसे 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जिसने फ्यूडलिज्म को डिस्ट्रॉय किया फ्रांस में, तो मगर 1789 के कई डेकेड्स पहले से आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन चल रहा था। जैसे ग्रेट राइटर्स थे वोल्टेयर और रूसो और फ्रेंच एनसाइक्लोपीडियस वगैरह, जिन्होंने कस के अटैक किया फ्यूडल सिस्टम को और रिलीजियस बिगट्री वगैरह को। तो अब इसी तरीके से हमारा हिंदुस्तान में जो दौर चल रहा है, इट इज नॉट द रेवोल्यूशनरी पीरियड, इट इज द प्री रेवोल्यूशनरी पीरियड विच कैन बी कॉल्ड द पीरियड ऑफ द आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन, वो चल रहा है आजकल। इसमें कस के आइडियाज, इसमें जो लड़ाई होती है वो बंदूक और बम और तलवार से नहीं होती, वो आइडियाज से होती है। द वेपन यूज इज नॉट गन्स और बॉम्ब्स और सॉर्ड बट आइडियाज। तो ये इट इज लाइक द प्री रेवोल्यूशनरी पीरियड इन बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। सम काइंड ऑफ रेवोल्यूशन हैज टू कम, मगर उसको मेरा अंदाज है कि आने में 10-15 साल कम से कम लगेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि सिचुएशन नहीं चेंज हो, हम लोग गरीब रहें, हम लोग क्या ये सारी गुर्बत और बेरोजगारी चलती रहे, मगर हम लोग को तो इससे लड़ना है कि कब तक हम गरीब रहेंगे और ये बेरोजगारी देखेंगे, भुखमरी देखेंगे। हमको तो एक ऐसी क्रिएट करना है, एक सिस्टम जहाँ पे लोगों को अच्छी जिंदगी मिले, लोग खुशहाल हों, और वो तभी पॉसिबल है अंडर सम डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। क्योंकि देखिए इंडिया में जो पॉलिटिक्स चलती है कास्ट और रिलीजन के बेस पे चलती है, सबको मालूम है, और कास्टिज्म और कम्युनलिज्म दे आर फ्यूडल फोर्सेस, दे हैव टू बी डिस्ट्रॉयड इफ इंडिया इज टू प्रोग्रेस। बट कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म फर्दर एंट्रेंच फ्यूडलिज्म, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फर्दर एंट्रेंचेस कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से ये चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है ये फ्यूडल फोर्सेस पे, कास्ट और रिलीजन पे। अभी अब वो कैसे नया सिस्टम बनेगा, कौन बनाएगा, कितना वक्त लगेगा, ये सब कहना बहुत मुश्किल है, मगर देयर हैज टू बी अ फंडामेंटल चेंज विच विल बी ओनली थ्रू सम काइंड ऑफ रेवोल्यूशन विच विल बी लेड बाय मॉडर्न माइंडेड पीपल, सेकुलर पीपल हु आर पेट्रियोटिक,
who want to help society and to make the country prosperous,